कराची में डेल्टा का जोर, सूबे में जाम बहक होने वाले तमाम 20 अफराद का ताल्लुक कराची से है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 20.11% रिपोर्ट। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश, कोरोना के मजीद फैलाव का खदशा है। शनाख्ती कार्ड ना रखने वालों की भी वैक्सीनेशन शुरू। तालीमी असनाद या बे फॉर्म पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी जमानत ना होने की सूरत में फॉर्म पूर करके मोबाइल नंबर के जरिए वैक्सीन लगवाई जा सकती है। सिंध हुकूमत का मैदानों को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला। मसीह 67 अफराद प्यारों से बिछड़ गए। अमवात 23,529 हो गई। एक दिन में 3,582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% हो गई। विफाक का आज से 5 शहरों में बंदिशों का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त। हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर रात 10 बजे तक खुली रहेगी। ट्रांसपोर्ट और दफातर में 50% की पाबंदी। इतलाक 31 अगस्त तक रहेगा। पोलियो से निजात के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटेंगे, वजीर आजम की हिदायत। इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि अल्लाह का शुक्र है 6 माह में मुल्क में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगले 6 से 12 माह इंतहाई अहम है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं, वजीर आजम की हिदायत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास, अरकान पहुंचना शुरू हो गए। इजलास थोड़ी देर में शुरू होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मामले खसूसी सिंध के रिहाइश चाहिए इस्लामाबाद में। वजारत हाउसिंग का अरबाब गुलाम रहीम को घर अलाट करने से इनकार। मौकफ अपनाया कि अरबाब गुलाम रहीम एजाजी मामले खसूसी हैं, हर शख्स को सरकारी घर मिनिस्टर कॉलोनी में नहीं दे सकते। मामले खसूसी सरकारी रिहायशगाह के लिए नोटिफिकेशन में तब्दीली के लिए कोशा, सामान आर्जी रिहायशगाह मुंतकिल। लाहौर में 4 लड़कियों का मुबैना अगवा, वालिद की मुदैयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मौके पर इख्तियार किया 10 साल अनम और 11 साल कनीजा। हमसाय की 2 बच्चियों के साथ ऑरेंज ट्रेन के सफर के लिए निकली थी। आईजी पंजाब का नोटिस। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर और एक मोहल्लेदार को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद से रात 3 बजे तक तफ्तीश। हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी, सऊदी जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। 19 कैदियों के अखराजात पाकिस्तानी सिफारत खाने, 9 के किराए सऊदी अरब के मुतालका इदारों ने अदा किए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कैदियों की रिहाई का फैसला किया था। Celebrate this day with your families with love and care, and don't forget Pakistan Zindabad. Zindabad Pakistan. Zindabad Pakistan. और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।